हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू ईयर की रीडिंग। हाँ, हमारे न्यू ईयर की रीडिंग 2022 की रीडिंग। एंड जैसे कि 30 साल का फर्स्ट मंथ कैसा जाएगा, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में एंड अपनी लव रीडिंग के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, चलिए जानते हैं कि दिस मंथ कैसा रहने वाला है, जनवरी मंथ हमारा कैसा रहेगा 2022 में, क्या होने वाला है। हमने जो गोल बनाए हैं तो उस गोल के लिए हम आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते हैं, क्या रहेगा दिस मंथ, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको सबको विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ दिस मंथ के लिए। सबसे पहले कि जो हमारी जो जितनी भी चीज़ें हमारी जो बैक चीज़ें जो गई है वो फिर से हमारे पास ना आए, हमारे पास कुछ अच्छी अचीवमेंट आए, अच्छे से न्यू करियर में हमें सक्सेस मिले, हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। तो आपके लिए मैं विश करती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कर्क राशि, कैंसर राशि। कैंसर राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। द टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स ये कहता है कि आपके लाइफ में जैसे कि आपको कोई ना कोई आपके घर से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली बिजनेस को संभालते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करने के लिए आपको बोलते ना कि फैमिली से गाइडेंस मिलते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को लेके एक न्यू लाइफ रीब्रीथ, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बोलते ना कि एक होम परचेस करना या फिर कहीं ना कहीं शॉप परचेस करना, ये चीज़ें आप कर सकते खुद होके, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ परचेस करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रैवलिंग नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं बिज़नेस की तरफ से बिज़नेस थ्रू जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ आपको परचेसिंग करनी है, कुछ चीज़ आपको लानी है। आप अपना काम जो है बोलते ना कि अप्स डाउन्स होके करना पसंद करेंगे, आपको लगेगा कि आपका काम जो है आप अपना अप डाउन्स करके करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग सोच रहे कि जिसके वजह से आपको ट्रैवलिंग करते हुए आपका काम काफ़ी अच्छे से चले, क्योंकि आपके फैमिली सपोर्ट तो आपके मिलते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आपको फैमिली की तौर से पैसे भी मिलते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपको फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है। टू ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है आपकी अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, आप काफ़ी एक बोलते ना कि रॉयल डिजिटल लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आपकी एक इंजॉय वाली लाइफ, थोड़ी सी इंजॉय वाली थोड़ी सी मोमेंट्स नज़र आती हुई दिखाई दे रही। दिस मंथ ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं आप फुल थोड़े से इंजॉयमेंट में रहेंगे, थोड़ा सा घूमना फिरना खाना पीना ये सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ जाके करेंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। दिस मंथ मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस वाला डे आपका मुझे जनवरी में दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ वांड्स का कब थोड़े से कुछ ना कुछ आपको काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आप अपने काम को छोड़ दें और इन्जॉयमेंट में लगे रहें, कहीं ना कहीं थोड़े से हिडन फीलिंग आपको काम के लिए देनी पड़ेगी, आपको काम को ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रैवलिंग की वजह से हेल्थ इश्यू नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा घूमना जाना, थोड़ा सा नींद ना होना ये चीज़ें हो सकती है, घूमने की वजह से हो सकता है, बाकी अदरवाइज़ ऐसे कोई बड़े इशू तो नहीं है कि थोड़ा नींद नहीं आने, नींद नहीं होना या फिर नींद नहीं आना, थोड़े से ऐसे परेशानी हो सकती, कहीं ना कहीं थोड़े से संभल के रहिएगा कि अपने पर्सनल चीज़ें किसी को ना बताएं, क्योंकि दिस मंथ आपका ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को बताते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको वहाँ से थोड़े से बोलते ना कि परेशानी आती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कोई आपको चिट करेगा, परेशान करेगा, जिसकी वजह से आपको मनी इनकम सोर्स बोलते ना कि आपकी थोड़ी सी इन्वेस्ट ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी मनी इनकम सोर्स ज़्यादा बोलते ना कि ख़राब होती हुई दिखाई दे रही, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप ना कीजिएगा। आप अपने अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सी एनर्जी दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग तो आपका वैसे भी नज़र आते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ भी आप घूमने जा सकते हैं, एक अच्छी सी डिवाइन एनर्जी जो आपके साथ रहेंगे काम करते हुए। मनी सोर्स जो जितना आप कमाएंगे दिस मंथ ऐसा रहेगा, जितना मनी आप सोर्स कमाएंगे उतना आप वेस्ट भी करेंगे, तो पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवलिंग की वजह से, थोड़े से घूमने की वजह से, थोड़े इन्जॉयमेंट आपको लाइफ जीने की वजह से, थोड़े से आपके थोड़े से खर्चे में थोड़ी सी बढ़ोतरी आ सकती है, आपका खर्चा कुछ ज़्यादा हो सकता है। दिस मंथ ऐसा रहेगा कि आपके खर्चे में कुछ ज़्यादा थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बाकी अदर बात करें तो न्यू लव कम्युनिकेशन की, तो मुझे लगता है न्यू लव कम्युनिकेशन आ जाएंगे, थोड़े टाइम तक ऐसा लगेगा कि द मून कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपकी फ्रीडम फीलिंग्स आप ऐसे लगेंगे कि आपके बारे में आपका पार्टनर भी बहुत गलत सोचता है, आपको आपका पार्टनर जो प्यार नहीं करता, आपकी
फीलिंग्स की कदर नहीं करता, आपको समझता नहीं है, आपको समझना ही नहीं चाहता, तो ये थोड़ी सी गाइडेंस फीलिंग थोड़े टाइम तक रहेगी। ऑक्स ऑफ वांड्स का कार्ड नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऑक्स ऑफ वांड्स का कार्ड जैसे कि कहीं ना कहीं एक न्यू लव कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। द वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं आपके लव के लिए जो है ट्रांजिशन चेंज होते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कंप्लीट ट्रांजिशन नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप अपने पार्टनर के साथ फाइनली अपने पार्टनर के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन में रहेंगे। जैसे कि आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है तो वो खोलने के चांसेस मुझे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन है जो स्टॉप हो चुकी है, तो वो भी मुझे अच्छे तरीके से बातें करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर कॉल करके आपसे बात कर सकता है। आपके कहीं ना कहीं खुद होकर थोड़ा सा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा खुद होकर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से जो है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा थोड़े से आपके कुछ हरकतों की वजह से आपके पार्टनर जो है रूठे हुए हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उनको मनाना पड़ेगा। दिस मंथ ऐसा रहेगा कि आपको थोड़ा सा मनाने के लिए टाइम चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके जैसे बोलते हैं ना कि इमोशनल फीलिंग्स थोड़े से डाउन रहेंगे। द मून का कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को मना लेंगे और फाइनली आपके पार्टनर से आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक न्यू लव कम्युनिकेशन भी आती हुई दिखाई दे रही है। जिनके लाइफ में लव नहीं है उनके लिए लव कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक अच्छे लव कम्युनिकेशन में आप ट्रांजेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है आपसे मिलने की कंडीशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी सोल की इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको पार्टनर मुझे लगता है कि दिस मंथ में आपको आपका पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। आप सभी को फिर से मेरी ओर से विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। ब्लेसिंग करती हूँ आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपके बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे। और मेरी रीडिंग आपका अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।